अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में बारिश हुई थी जिसने इस जंगल में नई जान फूंक दी थी। लहलहाती घास और पत्तों से भरे पेड़ मानो हरियाली का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन ये खुशियां सिर्फ पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है। सभी छोटे बड़े जानवर बदलते हुए मौसम का स्वागत एक नई पीढ़ी के साथ करते हैं। एक नई शुरुआत, एक नया मौका, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का, ताकि अफ्रीका में किसी तरह जीवन का चक्र चलता रहे। ये नई पीढ़ी निडर तो होती है, लेकिन इन जानलेवा जंगलों में जिंदा रहने के लिए निडरता के साथ साथ पिछली पीढ़ी का हासिल किया हुआ ज्ञान भी जरूरी होता है। पर शायद ये इतने भी सुरक्षित नहीं। झुंड की पहरेदारी कर रहे कुछ वाइल्ड डॉग्स इस हाथी के रास्ते में बैठे हैं। हालांकि जंगली कुत्ते एक बड़े हाथी को मार गिरा नहीं सकते, लेकिन हाथी जानते हैं कि ये उनके बच्चों को मार सकते हैं, और ये डर बड़े होने पर भी उनका साथ नहीं छोड़ता। हाथी ने इनसे उलझना ठीक नहीं समझा और अपना रास्ता नापा। लेकिन पहरेदार अब भी चौकन्ना है, क्योंकि हाथी बच्चों से ज्यादा दूर नहीं। हाथी जब अपने दल में वापस लौटा तब उसके गुस्से की वजह भी साफ हो गई। इसके परिवार में एक नए सदस्य ने जन्म लिया है। 2 साल तक मां के गर्भ में रहने के बाद इसकी आंखों को सूरज की तेज रोशनी की आदत पड़ने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। इसका पहला संघर्ष शुरू हो गया है। इसकी मां, जो कि दल की कुल माता है, इसकी बहनों के साथ मिलकर इसे खड़ा होने में मदद कर रही है। कांपते पैरों के साथ ये कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जिस बच्चे का वजन पैदा होते ही 100 किलो के आसपास हो, उसके लिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं। लड़खड़ाते ही सही, पर आखिरकार इसने चलना तो सीख लिया। बाकी इसकी मां संभाल लेगी। सभी मैमल्स की तरह ये भी अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मां के पौष्टिक दूध पर निर्भर है। इसकी सूंड में जितनी मांसपेशियां हैं उतनी इंसान के पूरे शरीर में नहीं होती, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाना सीखने में इसे कई दिन या साल लग सकते हैं।
हरी भरी ताजा घास के बीच इनके शरीर को ठंडक पहुंची है, लेकिन जंगलों में किसी एक जगह रुकना समझदारी नहीं होती, खासकर तब जब आपके साथ कोई नन्ही जान हो। शिकारी कहीं से भी आ सकते हैं। इन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। जन्म से ही हाथियों को पानी बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर आपने नया नया चलना सीखा हो तो उसमें उछल कूद नहीं करनी चाहिए। कीचड़ में लोटपोट होना मजेदार हो सकता है, लेकिन खेल खेल में जान भी जा सकती है। एक बड़े सदस्य ने बच्चे को सही सलामत कीचड़ में से बाहर निकाल लिया और इसके साथ ही झुंड अपने रास्ते आगे बढ़ा। अंधेरा होने से पहले खाने और रहने की एक महफूज जगह ढूंढनी होगी। बच्चे के थक जाने पर बीच बीच में हाथी रुक जाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए ही। अगर इसे अफ्रीका की धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर बनना है तो अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। फिलहाल तो ये अपनी मां से चिपका रहेगा। जब तक ये अपने बलबूते पर जीना नहीं सीख लेता, इसे पूरी सुरक्षा की जरूरत होगी। उधर वाइल्ड डॉग्स के झुंड के दो सदस्यों ने एक शिकार किया है, लेकिन भूख औरों को भी लगी है। शिकार किए बिना खाना चोरी करने वाले आसपास घूम रहे हैं। इन्हें जल्दी अपने शिकार को चटकर जाना होगा। चोरों पर लगातार नजर रखते हुए ये तेजी से खाना शुरू करते हैं। लेकिन असली खतरा इस जैकल से नहीं है। असली खतरा है इस हाइना से। इसे शिकार की गंध मिल चुकी है। हाइना
हाइनास या लकड़बग्घों के आगे जंगली कुत्तों की एक नहीं चलेगी। अगर वाइल्ड डॉग्स के इस झुंड के दो सदस्य अपनी जान बचा पाए तो आगे चलकर और बहुत से शिकार कर सकेंगे। इस वक्त तो पीछे हटने में ही भलाई थी। दिन निकलते ही हलचल सी शुरू हो जाती है क्योंकि सबके सामने नए नए मौके आने लगते हैं। एक हाइना अपने बच्चों के साथ है। इसने 3 बच्चों को जन्म दिया है जो कि आम तौर से ज्यादा हैं। लकड़बग्घों में बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया खतरनाक होती है और अक्सर माँ की जान चली जाती है, लेकिन ये माँ तंदुरुस्त है और इसके 3 बच्चे भी। ये अपने बच्चों को एक अलग मांद में तब तक छिपाकर रखेगी जब तक ये शारीरिक तौर पर झुंड के दूसरे बड़े बच्चों के साथ लोहा मानने लायक नहीं हो जाते। छिपाकर रखने से बच्चों को यहाँ के दूसरे शिकारियों से भी बचाकर रखा जा सकता है। दो हफ्ते हो चुके हैं, अब ये दूसरे बच्चों के साथ खुल मिल सकते हैं। कई बार बड़े बच्चों के साथ खेल कूद करते हुए चोट लग जाती है, लेकिन अब इनमें इतनी शक्ति आ गई है कि छोटी मोटी चोट सह सकें। छोटे बच्चों का कोट ज्यादातर काला होता है और 1 साल तक ऐसा ही रहेगा। इससे दूसरे शिकारी इन्हें आसानी से देख नहीं पाते, खासकर तब जब मां खाने की तलाश में निकली हो। ये बात सच नहीं है कि हाइना सिर्फ दूसरों का शिकार किया हुआ ही चुरा कर खाते हैं। इस तरह की खेलकूद इन्हें ना सिर्फ अपने झुंड की रक्षा करने के लिए तैयार करती है, बल्कि अफ्रीका के कुछ सबसे खूंखार शिकारी बनने के लिए भी। लेकिन इस खुले मैदान में ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं। शेर और दूसरे हाइना इनके जानी दुश्मन हैं और किसी अकेले भटकते बच्चे को शेर अक्सर उठा ले जाते हैं। लेकिन अगर झुंड के सभी बड़े हर तरफ नजर रख रहे हो तो कोई और शिकारी इन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा।
कभी कभी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माँ उन्हें अकेला छोड़कर आगे निकल जाती है। माँ को हल्का सा आभास हुआ कि घास में शायद एक खतरा छिपा है और वो उस तरफ बढ़ चली। बच्चों की खेलकूद जारी है पर बड़े चौकन्ने हो गए हैं। वो बच्चों की मां पर लगातार नजर रखे हुए हैं कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये शेरनी हाइनास के आसपास एक मौके की तलाश में मंडरा रही है। मां तुरंत भागना शुरू करती है ताकि शेरनी को अपने पीछे आने के लिए उकसा सके, जिससे वो उसके बच्चों से दूर हो जाए। बहुत ही शातिर तरकीब। पर यहां बच्चों को तो खतरे की सुध-बुध भी नहीं, वो हमेशा की तरह मजे करने में लगे हैं। वैसे तो पैदा होते ही इनके दांत निकले हुए होते हैं, फिर भी पहले साल तक ये सिर्फ मां के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। कई दूसरे मैमल्स के उलट हाइना के दूध में इतने पौष्टिक तत्व होते हैं कि एक बार मां का दूध पी लेने के बाद बच्चे पूरे एक हफ्ते तक भूखे जिंदा रह सकते हैं। बच्चों को मांद में सुरक्षित छिपा देने के बाद मां खाने की तलाश में निकल पड़ती है। हाइनास कई तरह के खाने पर जिंदा रह सकते हैं। इन्हें सड़े हुए मांस का भी परहेज नहीं, क्योंकि इनकी पाचन क्रिया इतनी तेज है कि किसी भी तरह का खाना पच जाता है। लेकिन बचा कुचा मांस खाने वाले ये अकेले नहीं हैं। ब्लैक बैक जैकल्स भी मुफ्त के खाने की तलाश में रहते हैं। मक्खियों की तरह इन सभी मुफ्त खोरों को लगातार हटाते रहना पड़ता है। जैकल्स की तादाद इनसे ज्यादा है, लेकिन इनके हाथों से कुछ छीनना लगभग नामुमकिन है। मौके का फायदा उठाकर एक जैकल ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर डाला। पर हाइनास इतनी आसानी से उसे चोरी करने नहीं देंगे। वैसे जैकल के पास भी जान जोखिम में डालकर चोरी करने की वजह है। चीता देखकर उससे डरने की बजाय जैकल को मुफ्त के खाने की याद आई। कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद जैकल्स को एहसास हो गया कि ये शिकार करने नहीं निकली, उसके दिमाग में कुछ और है। उसके बच्चे,
सभी बच्चों को समेट कर वो आसपास नजरें दौड़ा रही है कि कहीं से कोई खतरा नहीं आ जाए। इस वक्त ये आराम कर रहे हैं ताकि अपने आगे के सफर के लिए ताकत जुटा सके। चीता दुबले और फुर्तीले होते हैं और इन्हें एक काम सबसे अच्छी तरह आता है, दौड़ना। ये जमीन पर दौड़ने वाले सबसे तेज जानवर हैं। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, पर ज्यादा देर तक नहीं। एक बार दौड़ लगाने के बाद इसे अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, वरना ओवरहीटिंग से ना सिर्फ इसकी जान को खतरा होगा बल्कि इस पर निर्भर इसके तीन बच्चों की भी। जब मां शिकार कर रही होती है तब बच्चे झाड़ियों में छुप जाते हैं और इनके धब्बों की वजह से ये आसानी से नजर भी नहीं आते। तीन भूखे बच्चों का पेट पालने के लिए इसे हर रोज कम से कम एक बार शिकार जरूर करना होगा। रफ्तार चाहे कितनी भी हो, पर अगर ये ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाई तो खाना हाथ नहीं लगेगा। तलाश जारी रखनी होगी। ये थोड़ी ऊंची जमीन पर आ गई है ताकि शिकार आसानी से नजर आ जाए। सबको जबरदस्त भूख लगी है, अब तो शिकार पकड़ना ही होगा। यहां कुछ नहीं मिला, आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन तभी जब बच्चे खेलकूद में लगे थे, मां को एक मौका दिखाई दिया और उसने दौड़ना शुरू किया। बच्चे भी दौड़कर पेड़ से नीचे उतरे और मां और उसके शिकार की तरफ भागे। इस शिकार से इन्हें जरूरी पोषण तो मिलेगा, लेकिन इन्हें इसे जल्दी निपटाना होगा क्योंकि मुफ्तखोर हाइना कहीं से भी आ सकते हैं। बस घास में छिपे रहना है और जल्दी खाना है। पेट भी भर गया और कोई खतरा भी नहीं आया। अब ये सभी एक दूसरे की सफाई में लगे हैं, इससे इनके बीच के घने संबंध और भी घने होंगे। जिस जंगल में अगले दिन या अगले पल का भी कोई भरोसा नहीं, वहां इस तरह का चयन बहुत मायने रखता है। सवाना के एक दूसरे हिस्से में वाइल्ड डॉग्स के झुंड को भी इसी तरह की कामयाबी की जरूरत है।
इनके झुंड में बच्चे और भी ज्यादा हैं। पर अच्छी बात यह है कि चीता से उलट ये ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं और शिकार करने में उनसे ज्यादा माहिर भी हैं। ज़ेब्रा अकेले खड़ा है, लेकिन ये जानते हैं कि ज़ेब्रास इतनी जोर से लात मारते हैं कि शेर तक की जान जा सकती है। इससे दूर रहना ही बेहतर है। ज़ेब्रा के शरीर की धारियां सुनहरे और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बेहद खूबसूरत लगती हैं। हाल ही में बारिश हुई थी और इस दौरान कई बच्चे पैदा हुए थे जो जल्द ही बड़े होकर अफ्रीका की शानदार और सबसे जानी मानी प्रजाति में अपनी गिनती बढ़ाएंगे। देखने वाले को सभी ज़ेब्रा एक से लग सकते हैं, लेकिन हर ज़ेब्रा की धारियों का पैटर्न अलग होता है जिससे वो दूसरे ज़ेब्रास के बीच पहचाना जाता है। इसी से बच्चे भी अपनी माँ को पहचानते हैं। ज़ेब्रा के बच्चे एक साल तक माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पैदा होने के कुछ हफ्ते बाद से ये थोड़ी बहुत घास भी चरने लगते हैं। ज़ेब्रा हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि बच्चा पैदा होते ही जल्द से जल्द चलना सीख जाए। जन्म के सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर ये खड़ा होना और चलना सीख जाते हैं। ये धारियां सिर्फ इन्हें खूबसूरत बनाने का काम नहीं करती, इनसे एक तरह का कैमोफ्लाज बनता है जिसे मोशन डैजल इफेक्ट कहा जाता है। इसमें एक अकेले ज़ेब्रा को बाकी के झुंड से अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है, जिससे शिकारी को ये समझ में नहीं आता कि वो किसको अपना शिकार बनाए। इस तरह जमीन पर लोटपोट होने से इन्हें कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिलता है और साथ ही इनकी डेड स्किन भी साफ हो जाती है। इन्हें अपना ज्यादातर पोषण घास से ही मिलता है, खासकर लंबी घास से। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम गाय भैंसों जितना अच्छा नहीं है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा खाना पड़ता है, जिसका मतलब है खुले मैदानों में खाते हुए शिकारियों का खतरा हर वक्त बना रहता है, लेकिन ये हरदम चौकन्ना रहते हैं। पर शिकारियों से हमेशा दूरी बनाए रखना मुश्किल है। इन जंगलों में पानी की बेहद कमी है और जब भी मौका मिले जान जोखिम में डालकर प्यास बुझानी पड़ती है, लेकिन पानी में शासन है एक प्राचीन शिकारी का जो जानता है कि प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ता है, इसलिए पूरे इत्मीनान के साथ उनका इंतजार करता है। ये है नाइल क्रोकोडाइल। ज़ेब्रा बाल बाल बचा।
लेकिन मगरमच्छ इनके अकेले दुश्मन नहीं, यहाँ शेर भी हैं और इनसे दूर रहना नामुमकिन है। इनसे सिर्फ सतर्क रहा जा सकता है, बहुत ज्यादा सतर्क। कभी किस्मत साथ देती है तो कभी नहीं, लेकिन खतरा हमेशा दूसरे प्रभक्षियों से ही नहीं होता। अगर किसी झुंड में हजारों सदस्य हों, तो आपस में नोकझोंक होना स्वाभाविक है। और कभी कभी ये नोकझोंक जबरदस्त झगड़े का रूप ले लेती है, जिसमें सबसे खतरनाक वार होता है दुलत्ती का। सख्त खुरों से सिर फट जाए, इससे पहले पीछे हट जाना ही बेहतर है। इतना कुछ हो गया, लेकिन बाकी के झुंड के कानों पर जू भी नहीं रेंगी। ज़ेब्रास के झुंड में इस तरह की खतरनाक लड़ाइयां होती रहती हैं, और सब जानते हैं कि इनसे कैसे बचा जाता है, यहां तक कि बच्चे भी। इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है मां के आसपास, जो जरूरत पड़ने पर ऐसी दुलत्ती मार सकती है कि बड़े से बड़ा खतरा उसके बच्चों का बाल भी बांका ना कर सके। वाइल्ड डॉग्स काफी देर तक बिना थके दौड़ सकते हैं, और इस वक्त ये विल्ड बीस्ट का पीछा कर रहे हैं। विल्ड बीस्ट जैसे बड़े सींगों वाले जानवर का शिकार करने की कोशिश खतरे से खाली नहीं होती, पर भूख बहुत लगी है। लगता है एक बार फिर पीछे हटना होगा। दोनों विल्डबीस्ट इस तरह खड़े हैं कि इन पर किसी भी तरफ से हमला नहीं किया जा सकता। सींग के एक वार से चीथड़े उड़ सकते हैं। दोनों विल्ड बीस्ट अपने झुंड में लौट आए हैं, जो इतना बड़ा है कि सैकड़ों किलोमीटर में फैला है। अफ्रीका के मैदानी जंगलों में एक शिकारी का ही गुजारा मुश्किल से चलता है। एंटीलोप जैसे शिकार के जीवन पर तो हर पल मौत का साया मंडराता रहता है। विल्ड बीस्ट, जिसे ग्नू भी कहते हैं, इनके पास अपने बच्चों को जिंदा रखने की एक अलग ही तरकीब है। माएं सभी बच्चों को एक साथ जन्म देती हैं, मतलब एक ही झुंड में सैकड़ों बछड़े हो सकते हैं,
जो हमेशा बड़ों के साथ समूह में रहते हैं। बच्चों का रंग हल्का भूरा होता है और उनके शरीर से किसी भी तरह की गंध नहीं आती, जिसकी वजह से वो घास में आसानी से छुप सकते हैं। शिकारियों को उनके होने की भनक नहीं लगती। वैसे बछड़े हमेशा माँ के साथ ही रहते हैं और पहले एक साल तक माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। विल्डबीस्ट के नवजात बच्चे भी लगभग पूरी तरह विकसित होते हैं और मिनटों में चलना सीख लेते हैं। इनका झुंड लगातार माइग्रेट करता रहता है, इसलिए इन्हें चलने के साथ साथ दौड़ना भी आना चाहिए, वरना बच्चे पीछे रहकर मारे जाएंगे। गर्भ से बाहर निकले कुछ ही घंटे हुए होंगे, लेकिन देखकर लगता है इसने सालों पहले चलना शुरू कर दिया था। ये अपने इंस्टिंक्ट्स पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं। विल्डबीस्ट सिर्फ और सिर्फ छोटी घास खाते हैं, इसीलिए ये ज्यादातर ज़ेब्रास के आसपास नजर आते हैं, जो लंबी घास खाकर उसे छोटा कर देते हैं। दूसरे एंटीलोप्स के मुकाबले विल्डबीस्ट के बच्चे सबसे ज्यादा काबिल होते हैं। पैदा होने के कुछ ही देर बाद ये एक बड़े विल्डबीस्ट जितना तेज दौड़ सकते हैं, और ये जरूरी भी है। एक नन्हा विल्डबीस्ट इलाके के किसी भी शिकारी का आसान शिकार बन सकता है। यहाँ के शेरों की नजर विल्डबीस्ट के झुंड पर ही है, और उनकी तादाद भी तो कितनी ज्यादा है। लेकिन इनके पास रुकने का वक्त नहीं है, ये बारिश का पीछा करते हैं। इन्हें पानी की इतनी जरूरत है कि अगर ये किसी सूखे इलाके में फंस गए तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस माइग्रेशन में कई कमजोर विल्डबीस्ट पीछे रह जाएंगे,
गलती की कोई गुंजाइश नहीं, खासकर इस दुबले से बच्चे जैसे किसी के पास। लेकिन शुक्र है इसकी माँ इसके साथ है। वाइल्ड डॉग्स के बच्चे बड़े हो चुके हैं और शिकारी दल का हिस्सा बन गए हैं। इससे शिकार के सफल होने की संभावना और भी बढ़ गई है। बड़े तो हो गए पर बचपना नहीं गया। खेल कूद से इनके बीच के रिश्ते मजबूत बने रहते हैं, जिससे जरूरत के वक्त इनके बीच का तालमेल कामयाबी की वजह बन जाता है। एक तरफ जहां एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिला रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और नई पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। पिछली अनगिनत पीढ़ियों ने जो कुछ सीखा, जितना ज्ञान हासिल किया, वो सब इस नई पीढ़ी के साथ भी साझा किया जाएगा। जैसा कि लाखों सालों से होता आया है, आज भी झुंड के बड़े अपने बच्चों को अफ्रीका के सफल शिकारी बनाने के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। सूरज डूब रहा है, झुंड के सभी डॉग्स इकट्ठा हो गए हैं। आज के दिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन जब तक सब साथ हैं और इनमें ताकत और हिम्मत है, ये अगले दिन को सफल बनाने के विश्वास के साथ रात की गोद में जा सकते हैं। अफ्रीका के सवाना में दिन ढलने को है। लगभग सभी बच्चे अब भी मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन बड़ों का मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह उनकी औलादें अफ्रीका के इन विशाल जंगलों में उनके वंश को आगे बढ़ाती रहें।